हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि टर्की द्वारा 5th जनरेशन फाइटर को बनाया जा रहा है, साथ ही साथ लीड इन फ्लाइट ट्रेनर्स को बनाया जा रहा है, वो भी इंडिजिनसली, और इन पर काम जो है काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो TFX का रोल आउट है ये टर्की द्वारा कर लिया गया है। साथ ही साथ हर जेट की जो फर्स्ट फ्लाइट है ये भी टर्की ने कंडक्ट करा ली है। कहा यह जाता है कि TFX या फिर कान की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो इसी साल कंडक्ट हो सकती है। तो एक तरीके से तेजी दिखाई जा रही है टर्की द्वारा अपने इंडिजिनस फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, साथ ही साथ अपने F-16 को अपग्रेड करने के लिए भी यहाँ पर टर्की द्वारा तेजी दिखाई जा रही है। और ये माना जाता है कि प्रेसिडेंट अर्दोगान की इलेक्शन कैंपिंग में सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा था, जिसमें उन्होंने इंडिजिनस डेवलपमेंट को एक बड़ा मुद्दा बनाया और इलेक्शन से पहले ही कई रोल आउट, फर्स्ट फ्लाइट्स और अनवील्स किए गए थे। तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है टर्की के लिए, इसको समझ लेते हैं। तो टर्की की जो राइवलरी है ये ग्रीस के साथ सीधे सीधे है। ऑल्दो टर्की की जो इकोनॉमी है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, उसके बाद टर्की को एक बड़े भूकंप ने हिट भी किया, जिसके बाद टर्की का काफी बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जो डिफेंस है उससे फोकस हटा नहीं, और इकोनॉमी में खराब परफॉर्म करने के बावजूद सिक्योरिटी के मुद्दे पर एक बड़ा सपोर्ट मिला प्रेसिडेंट अर्दोगान को। ऑल्दो टर्की की जो प्रोग्रेस है ये क्लियरली विजिबल है, किसी से छुपी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे तो यहाँ पर एडवांटेज आपको ग्रीस के पास दिखाई देगा टर्की के कंपैरिजन में। इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका ने एकाएक टर्की के पास से अपने सपोर्ट को पीछे खींच लिया है, और यही उल्टा सपोर्ट अब ग्रीस को सीधे सीधे मिला है। तो ग्रीस द्वारा F-16 के अपग्रेड पहले से ही रिसीव किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने F-16 ब्लॉक 70 अपग्रेड फाइटर्स की डिलीवरी लेना चालू कर दिया है। साथ ही साथ अब ये भी कंफर्मेशन आ रही है कि इनको F-35 मिलने वाले हैं। तो ये F-35 बहुत बड़े नंबर में नहीं होंगे, कहा जाता है कि ये 50 से कम ही रहेंगे और 40 के आसपास हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा एडवांटेज देंगे ग्रीस को टर्की पे, क्योंकि अगर हम कान के टाइमलाइन की बात करें तो 2030 से पहले इनको ये एयरक्राफ्ट नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ उसकी कैपेबिलिटी भी क्वेश्चनेबल रहेगी, क्योंकि F-35 अभी जितना कैपेबल है कान उतना कैपेबल 2030 में भी नहीं रहेगा। साथ ही साथ F-35 के जो अपग्रेड्स हैं ये भी अभी आना चालू हो गए हैं, ज़्यादा पावरफुल रडार इसमें लगने वाला है, साथ में नए वेपन पैकेजेस को भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो डेफिनेटली F-35 काफ़ी ज़्यादा आगे रहेगा TFX के, भले ही टर्की द्वारा 5th जनरेशन फाइटर्स को 2030 के बाद से एक्वायर करना चालू कर दिया जाए। वहीं पर अगर नंबर्स की बात करें तो दोनों एयरफोर्स के जो F-16s हैं वो इवनली मैच्ड हैं नंबर्स में, लेकिन अगर बात करें कौन ज़्यादा एडवांस है तो ग्रीस के जो F-16s हैं ये ज़्यादा एडवांस है। साथ ही साथ ग्रीस द्वारा रफाल भी रिसीव किए गए हैं, जिसके काउंटर में टर्की के पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि टर्की द्वारा ड्रोन प्रोग्राम में काफ़ी अच्छी खासी प्रोग्रेस करी गई है, लेकिन ये जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव वहीं साबित होते हैं जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम वीक हो या फिर एयरफोर्स वीक हो। अगर मैंड एयरक्राफ्ट आपके पास पावरफुल है, एडवांस है, तो ये जो UAVs हैं ये ऑलमोस्ट यूजलेस साबित होते हैं ऐसे एयर डिफेंस के अगेंस्ट में। और ये चीज़ हम रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि यूक्रेन के जो ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन के एयर स्पेस में ही ठीक ठाक परफॉर्म कर पा रहे हैं और वहाँ पर भी वो शूट डाउन किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये चीज़ भी देखी कि MQ-9 जैसे ड्रोन्स को शूट करना कितना आसान होता है, और रशियन सुखोई ने बिना शूट डाउन किए ही एक MQ-9 को नीचे गिरा दिया था। तो ये जो एडवांस UKFs टर्की द्वारा बनाए जा रहे हैं ये कोई बहुत बड़ा एडवांटेज टर्की को नहीं देते हैं, मेन एडवांटेज इनको मैंड एयरक्राफ्ट से ही मिलेगा जहाँ पर ये ग्रीस से पीछे हैं। हाँ, ये चीज़ हम जरूर कहेंगे कि फ्यूचर में टर्की सेल्फ रिलायंट रहेगा, तो अपने दम पर वॉर को सस्टेन करना टर्की के लिए ज़्यादा आसान रहेगा और एक बड़ा एडवांटेज टर्की को देगा। लेकिन जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, अगर ग्रीस को अमेरिका का सपोर्ट मिलता रहा तो टर्की के सेल्फ रिलायंट होने का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर टर्की द्वारा समझदारी दिखाई गई होती तो वो ये होती कि ये अपने अमेरिका के साथ रिलेशंस को अच्छे रखते हुए सेल्फ रिलायंट बनते, लेकिन वहाँ की जो लीडरशिप है वो खुद को एक पावरफुल इंडिपेंडेंट कंट्री दिखाना चाहते हैं जो कि उस रीजन को लीड कर सकते हैं,
लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए काफी पुअर डिप्लोमेसी को शोकेस किया गया। अगर टर्की इंडिजिनस प्रोग्राम पे काम करता, वो भी अमेरिका के सपोर्ट के साथ, जहां पर इन्हें F-16 के अपग्रेड मिलते और F-35 भी मिलते, तब तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन में होते। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये ग्रीस से पछड़ते चले जा रहे हैं और ग्रीक एयरफोर्स का कंप्लीट डोमिनेंस रहेगा टर्किश एयरफोर्स पर, भले ही टर्की द्वारा अपने PR वर्क में कोई भी कमी ना रखी जा रही हो और अपनी जनता को कितना ही बताया जा रहा हो कि हम ये सब डेवलप कर रहे हैं और इस कैपेबिलिटी को हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले 20 F-35 ग्रीस को 2028 से मिल सकते हैं, यानी कि टर्की द्वारा एस्टिमेटेड TFX की रिसीव किए जाने वाली टाइमलाइन से 2 साल पहले। तो ग्रीक एयरफोर्स का क्लियर डोमिनेंस यहाँ पर रहेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।